भारत सरकार जो है आप देखेंगे कि आज के दिन गजट नोटिफिकेशन पे नहीं चलती, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नहीं चलती, आप देखेंगे सरकार भी, भारत सरकार भी ट्विटर पे चल रही है। इस सरकार का एक असूल है कि झूठ बोलो, खूब बोलो और बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोगों को हजम ना हो और फिर वो समझें कि हम ही बेवकूफ़ हैं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हम BPL लोग जो है, बिलो पॉवर्टी लेन जो लोग थे, वो जिन्हें हम भुक्कड़ कहते हैं, जिनको एक समय रोटी मिलती है, उनकी संख्या 67 करोड़ थी। और मोदी जी ने झटके में जो पिछले 5 साल में देश को दिए हैं, नोटबंदी का है, GST का है, पुलवामा के बाद चुनाव जीतने का है और ये कोरोना का है, तो देश में ऐसे भुक्कड़ लोगों की संख्या बढ़कर 74 करोड़ हो गई। लॉकडाउन की वजह से एक जो इसका सीधा असर नज़र आता है मुझे, वो ये नज़र आता है कि देश में सरकार गायब हो गई, सरकार जो है निराकार हो गई, निराकार है, वो ढूंढे नहीं मिल रही। हम लोग जो है अंधे युग में चल रहे हैं, आप रोज़ सुबह शाम जो है ढूंढेंगे, आपको पता चलेगा सरकार नाम की चीज़ नहीं। ये सरकार जो है ऐसे भोंदू लोगों द्वारा चलाई जा रही है जिसे ना कॉज पता है ना इफेक्ट पता है। तो कॉज इफेक्ट नहीं पता तो उसका जब खमियाजा कौन भुगतेगा जिन्होंने सरकार को बनाया। और मोदी सरकार ने जो है 23 मार्च की रात को देश में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की और 4 घंटे का टाइम देकर देश में लॉकडाउन लगा दिया, पूरा देश जो है चलता हुआ बंद हो गया। अब सवाल ये आता है कि आज लॉकडाउन 1 भी हो गया, लॉकडाउन 2 भी हो गया, लॉकडाउन 3 भी हो गया, लॉकडाउन 4 भी हो गया, अब अनलॉक 1 भी हो गया, बंद भी हो गया, और ऐसे में लोग सोचते हैं कि ये जो हमने इतने दिनों में सफरिंग हुई हमारी, हमने कष्ट उठाया, तो उसका हमें फ़ायदा क्या हुआ? अब वही मैं जानना चाहता हूँ जी। तो आप देखिए कि लॉकडाउन की वजह से एक जो इसका सीधा असर नज़र आता है मुझे, वो ये नज़र आता है कि देश में सरकार गायब हो गई। आज के दिन देश में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे कि अभी हम देखेंगे कि चीन के मुद्दे पर लद्दाख में चीन की फ़ौज घुसाई और वहाँ पर उन्होंने अपना डेरा जमा लिया, कोई कहता है 4 किलोमीटर घुसे, कोई कहता है 50 किलोमीटर घुसे, कोई कहता है अक्साई चीन में घुसे, कोई कहता है उन्होंने वहाँ पर अपना एयरपोर्ट बना लिया। लेकिन ऐसी हालत में भी मैं बड़ा परेशान हूँ कि आप किसी आदमी से पूछो कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है, किसी को नहीं पता। लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी का नाम क्या है, किसी को नहीं पता। लद्दाख के DGP का नाम क्या है, वो किसी को नहीं पता। तो इसका मतलब यह है कि देश में कोई भी चीज़ अगर आप ढूंढेंगे, तो जैसे आपने देखा होगा कि एक TV चैनल में चल रहा था कि एक चैनल में एक प्रवक्ता ने BJP के प्रवक्ता से पूछा कि तुम अपने लेबर मिनिस्टर का नाम बता दो, तो उसने पट्टे ने लिया और अपना गूगल सर्च करने लगा और उसे भी नहीं पता है कि हमारे यहाँ का देश का या श्रम मंत्री कौन है, कौन है। तो एक संकट पूरे देश में शुरू हो गया है। जैसे आप लोगों से कहो कि आपने राष्ट्रपति की शक्ल कब देखी थी, आपको याद ही नहीं होगा कब देखी, बड़े दिन हो गए, इस देश में राष्ट्रपति भी अभी नहीं पता। उपराष्ट्रपति की शक्ल कौन देखी, नहीं देखी। मैं एक आदमी से पूछा था भाई देश का राष्ट्रपति कौन है, तो वो कहते मोदी जी हैं। तो सरकार जो है निराकार हो गई, निराकार है, वो ढूंढे नहीं मिल रही। हम लोग जो है अंधे युग में चल रहे हैं, आप रोज़ सुबह शाम जो है ढूंढेंगे, आपको पता चलेगा सरकार नाम की चीज़ नहीं। लोग जो है कहते हैं जी मैं बीमार हुआ, अस्पताल गया, अस्पताल वालों ने अंदर घुसने से मना कर दिया, फिर दूसरे अस्पताल गया वहाँ भी घुसने से मना कर दिया, तीसरे में गया वो वहाँ भी घुसने से मना कर दिया। यानी कि मरीज को अस्पताल जाने की सुविधा नहीं है, हम अब भूखे को पानी नहीं मिल रहा जी, खाना नहीं मिल रहा, और पूरी सरकार जो है एक तरह से जिसे हम कहते हैं कि गायब हो गई है, अदृश्य अदृश्य हो गई है जी। और हम अदृश्य सरकार के युग में, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हम BPL लोग जो है, बिलो पॉवर्टी लेन जो लोग थे, वो जिन्हें हम भुक्कड़ कहते हैं, जिनको एक समय रोटी मिलती है, उनकी संख्या 67 करोड़ थी। 2014 में वो घटकर 48 करोड़ से भी कम होकर 36 करोड़ रह गई जी। और मोदी जी ने इस झटके में जो पिछले 5 साल में देश को दिए हैं, नोटबंदी का है, GST का है, पुलवामा के बाद चुनाव जीतने का है और ये कोरोना का है, तो देश में ऐसे भुक्कड़ लोगों की संख्या बढ़कर 74 करोड़ हो गई है। बढ़ा दी उन्होंने 74, डबल से ज़्यादा, डबल 36 के दोनों 72 होते हैं उससे ज़्यादा। और उसमें भी कल वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ने कहा कि 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कब मर जाएं, यानी उनको जीने के लिए भी खाना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा। तो ऐसी हालत देश में है और पूरी सरकार जो है वर्चुअल हो गई है। अब जैसे अमित शाह है, उन्होंने नया तरीका ढूंढा है कि वर्चुअल रैली कर लो। उन्होंने एक रैली कर ली बिहार के लिए, 72,000 हमने जो है टेलीविज़न स्क्रीन लगा दिए और उसमें हमने एड्रेस कर दिया। अब बातें क्या बताई कि हमने 61 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुलवाए, 61 करोड़। यानी अगर देश में आप ढूंढें कि जो लोग जो है वोट देते हैं 85 करोड़ हैं,
तो 61 करोड़ के हमने खाते खुलवा दिए, जो कि झूठ है, जबकि सरकार खुद कहती है कि 18 करोड़ के खुलवाए थे और 8 करोड़ के आज के दिन है। फिर उन्होंने कहा कि हमने 51 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए इलाज के मुहैया करा दिए। अब आप देखिए सड़क पे जो लोग मर रहे हैं, भूखे हैं, अस्पताल में जिनको दवाई नहीं मिल रही, एक भी आदमी आपको सड़क पे नहीं मिलेगा जो कहे जी मुझे आयुष्मान योजना का फ़ायदा मिला। तो आंकड़े उछालने में ये सरकार इतनी माहिर है कि बिना सोचे समझे ये आंकड़े उछाल देती है। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि भई ये ऐसे आंकड़े क्यों उछाल देते। तो मैं किताब पढ़ रहा था तो एक जिक्र आता है USSR में कि एक मंत्री कहता है कि ऑस्टेरिटी के यानी हमें मितव्ययता का अभियान चलाना है, तो चला दिया, शुरू हो गया। एक साल बाद पूछा गया, भाई ये सवाल हुआ उससे कि भाई तुमने कितनी बचत की, तो उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, बोले बताओ बचत कितनी हुई। उसने कहा बचत बताने के लिए तो हमें 6 महीने लगेंगे आंकड़े देने के लिए। उसने कोई बात नहीं, वो अगले दिन गया और उसने कहा जी हमने 3 अरब ईंटें बचाई, 6000 टन जो है सीमेंट बचाई, इतना फलाना बचाया। तो सेक्रेटरी ने पूछा साहब ये आंकड़े कहाँ से आ गए। बोला जब हमें इकट्ठे करने में 6 महीने लगेंगे तो अपोजिशन को इसको बताने में ठीक करने में तो 2 साल लगेंगे। 2 साल लगेंगे, सही। तो इस सरकार का एक असूल है कि झूठ बोलो, खूब बोलो और बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोगों को हजम ना हो और फिर वो समझें कि हम ही बेवकूफ़ हैं। शाह और ये बाकी जो लोग हैं इनकी वही ट्रेनिंग चल रही है, ये अभी भी मानते हैं सामने जो बैठे हैं ये मूर्ख हैं और इन मूर्खों को कुछ भी दे दो ये उसको प्रसाद समझ के ले लेंगे। ये बोलने में ये शब्दों के बड़े जो है महारत ही है और इनको सत्य से कोई लगाव नहीं है। आप एक चीज़ समझ लीजिए, जो भी फासिस्ट होगा, जो भी नाजीवादी होगा, जो भी बायोगेटिक होगा, जो कि सांप्रदायिकता फैलाने वाला होगा, वो बड़ा झूठ बोलेगा। वो ऐसे झूठ बोलेगा कि एक बच्चा था, वो अपनी माँ से बोला मम्मी मम्मी एक गली में एक कुत्ता है, एक मंजिल ऊंचा है। तो उसकी माँ बोली तेरे को करोड़ों बार कहा है कि तू झूठ मत बोला कर। तो यानी माँ भी झूठ बोल रही है, इनके खून में जो है इनका DNA जो है झूठ बोलने का है और ये जम के झूठ बोलते हैं। हर जगह लॉकडाउन हो रहा है तो हमारे अभी होना चाहिए। अरे हमारी स्थिति है लॉकडाउन की, तभी तो हम करेंगे। डॉक्टर भी टेस्ट करता है कि इस आदमी को ये बीमारी है तो उसको टेस्ट करके इसको ये बीमारी है या नहीं है, तो इसको दवाई देनी है या नहीं देनी। लेकिन अगर डॉक्टर सोचे, हमारे मोर्चे में एक आदमी था, वो जो है उसका नाम था डॉक्टर अशोक वर्मा। तो वो मेरे पास आया, बोला जी मैं डॉक्टर अशोक वर्मा हूँ। हमने कहा होगा। उसका एक दिन फ़ोन आया, कहता जी मेरे यहाँ जो है एक मैंने एक लेडी का ऑपरेशन कर रहा था, वो मर गई। मैंने मर गई तो कैसे मर गई, तो हम उसके घर गए तो नंदगिरी में के पास वो रहता था, तो वहाँ उसे छोटा सा 20 गज का घर में छोटा सा 2x2 का एक वो बना रखा था क्लिनिक। तो मैंने कहा किया क्या तूने, कहते लड़की आई बोली ये प्रेग्नेंट थी, इसके पेट में दर्द था, बोली पेट में दर्द है तो मैंने कहा तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने इसका ऑपरेशन कर दिया। मैंने तूने इसका ऑपरेशन क्यों कर दिया, कहते फिल्मों में देखता था कि जैसे ही मरीज आता है डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर देता है। तो यानी कि ये सरकार जो है ऐसे भोंदू लोगों द्वारा चलाई जा रही है जिसे ना कॉज पता है ना इफेक्ट पता है। तो कॉज इफेक्ट नहीं पता तो उसका जब खमियाजा कौन भुगतेगा, जिन्होंने सरकार को बनाया। तो लोगों ने सरकार को बनाया है तो लोग इस सरकार को बनाने का खमियाजा भुगत रहे हैं। अब मजे की बात यह है कि आज भी वो इतने खुश हैं कि हमारी सरकार जो दुनिया की सबसे अच्छी सरकार है। मैंने कहा क्यों होती है आपकी सरकार सबसे अच्छी, बोले देखो व्हाट्सएप पे सब कहते हैं, फेसबुक पे सब कहते हैं, ट्विटर पे सब कहते हैं। यानी कि भारत सरकार जो है आप देखेंगे कि आज के दिन गजट नोटिफिकेशन पे नहीं चलती, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नहीं चलती। आप देखेंगे सरकार भी, भारत सरकार भी ट्विटर पे चल रही है कि मोदी जी ने ये आदेश दिया है, मोदी जी ने ये कहा है, राजनाथ सिंह जी ने ये कहा है। यानी पूरी सरकार ट्विटर सरकार हो गई है। और ट्विटर की क्या हैसियत है, ट्विटर एक प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की जो चला रही है। अगर कल को ट्विटर बंद हो जाए तो सारे नोटिफिकेशन कहाँ चले आएंगे। या कल को ट्विटर का मान लीजिए जो ऑर्बिट में उसका अपना उपग्रह घूम रहा है वो खत्म हो जाए किसी वजह से, तो सारा आपका पूरा जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पूरी सरकार जो है ऐसे लोगों द्वारा चलाई जा रही है जिन्हें ना टेक्नोलॉजी का पता है, ना किसी टेक्निक का पता है, ना जिन्हें ये पता कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमें करना क्या है। सिर्फ जो है वो कह रहे हैं कि जो भी आए एक ना एक फार्मूला दे दो। हम बचपन में एक किस्सा पढ़ते थे कि एक आदमी गया, बोला जी मेरे पास 100 बकरियां हैं, बीमार हैं, पंडित जी कुछ इसका इलाज करो। पंडित जी ने कहा ऐसा है ले तू जाके ये कर ले, ये टोटका तेरी बकरी ठीक हो जाएगी। वो थोड़े दिन बाद आके बोला जी 50 रह गई। उसे कहा ले दूसरा टोटका कर ले। उसे कहा जी 25 रह गई हैं। उसे कहा ले तीसरा टोटका कर ले। उसे कहा जी मेरी 2 रह गई हैं, कहते ये टोटका कर ले। एक दिन वो गया सर पे हाथ मार के बोला भाई साहब पंडित जी मेरी सारी बकरियां मर गई। बोला साले तेरी तो बकरी मर गई, मेरे पास 100 फार्मूले थे, अभी तो 10 ही कायम हुए हैं। तो मोदी जी जो है देश के साथ ये फार्मूले लगा रहे हैं।
और फार्मूले लगा के अगर कोई फार्मूला कामयाब हो गया तो सब कहेंगे मोदी जी ने जो किया है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यानी कि स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक बात क्या है ये नहीं पता लेकिन लिख दी गई। लिख दीजिए तो अच्छा। मैं उसमें एक छोटी सी बात कहूंगा कि एक छोटा बच्चा था 2.5 साल का, वो घर में बैठा चिट्ठी लिख रहा था। तो उसके बाप ने कहा चुन्नू तू कर क्या रहा है? तो उसका एक छोटा भाई था मुन्नू 1 साल का, उसने कहा मैं मुन्नू को चिट्ठी लिख रहा हूँ। उसने कहा मुन्नू को चिट्ठी लिख रहा है लेकिन तेरे को चिट्ठी लिखनी आती है? कहते मुन्नू को कौन सी पढ़नी आती है। सही बात है। तो पूरी सरकार चुन्नू और मुन्नू चला रहे हैं। आप जियोपॉलिटिक्स समझिए। जियोपॉलिटिक्स क्या है कि हिंदुस्तान के चारों ओर जितने भी देश हैं, पाकिस्तान हमारे खिलाफ है, चीन हमारे खिलाफ है, नेपाल हमारे खिलाफ है, बांग्लादेश हमारे खिलाफ है, श्रीलंका हमारे खिलाफ है और मालदीव भी हमारे खिलाफ है। सब पे जो है चीन का कब्जा हो गया। अब क्या है जियोपॉलिटिक्स में, अमेरिका चाहता है कि चीन को कैसे घेरें। तो चीन को घेरने में भारत एक बड़ा देश है, तो अमेरिका, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, इनको वो आपस में जोड़ना चाहते हैं। और ये जो आप कह रहे हैं ना समोसे की पॉलिटिक्स, समोसे की बात नहीं हुई, उसे मोदी जी से कहा कि आप हमारे पानी के जहाजों को और हवाई जहाजों को हिंदुस्तान में टिकने की परमिशन दें ऑस्ट्रेलिया को। हाँ हाँ। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चीन को घेरना चाहता है। हाँ हाँ। सदर्न चाइना सी के लिए। हाँ हाँ। तो इसलिए जो है इन्होंने ये बात नहीं बताई कि भारत ने उस वार्ता के बाद उसकी परमिशन दे दी है। अब अगर चीन पे ऑस्ट्रेलिया को हमला करना है तो उसके हवाई जहाज हिंदुस्तान के एयरपोर्ट से उड़ान भर सकते हैं। तो ये बात जनता को ना पता चले इसलिए ऐसी बेहूदी बात की जाती है ताकि लोग समझें वाह वाह वहाँ भी हमारे समोसे बनते हैं। हिंदुस्तान को चारों ओर से हमारे सारे जो जिसे हम कहते हैं कि हमने एक ग्रुप बनाया था कि सारे हिंदुस्तान के सातों आठों देश मिलके उन्होंने अपना ग्रुप बनाया था, उसको मोदी जी ने पहला काम तो किया भंग कर दिया था। उन्होंने कहा हम इसकी कोई मीटिंग जो है कराची में नहीं करेंगे, और उसकी मीटिंग नहीं हुई तो उस मीटिंग में तय होता था कि अगली मीटिंग कहाँ होगी, तो वो भंग कर दिया। तो हमारा आज के दिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, पर हमारे प्लेटफॉर्म के बाद जो है उस प्लेटफॉर्म को किसने कब्जा किया? चीन ने। और चीन को दुश्मन कौन है इस समय? ऑस्ट्रेलिया। तो इसलिए समोसा डिप्लोमेसी नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स।